कोई दीवाना कहता है, आए हाय, कोई पागल समझता है। वाह वाह, क्या ऐसी हरकतें करेगी तो यही समझेंगे लोग। अब लोग क्या सोचेंगे, वो भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? वाह 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 वाह, डायलॉग ठोका है राज साहब। ये किसी शायर की अधूरी शायरी है। मुखड़ा लिख के कोई अंतरा लिखना भूल गया। अधूरा होना गुनाह नहीं है। जाम अधूरा हो तो क्या हुआ, नशा पूरा देता। आज तो मतलब बिल्कुल कमाल कर दिया भैया। पत्ते तो पहले खेलती थी, शराब भी पीने लगी अभी। ये शायरी का भूत कहाँ से चढ़ गया आज आप पे? क्यों, हम खानदानी कवि हैं। खानदानी खानदानी है, ये ट्रकों के पीछे लिखे ना, तब बच्चे दो ही अच्छे। देखो कपूर, तुम्हें पता नहीं लेकिन मेरे दादाजी बहुत बड़े शायर थे। अच्छा, उन्हें बेस्ट शायर का अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, हाँ, लोग अवार्ड हाथ में देते ना। हाँ। इनके दादाजी को माथे भी दिया करते, जिनको जब कहा है चलते मुशायरे पे मंच पे नहीं आना। एक बार कवि से मिलो ना, तो ऐसे बैठे हुए थे, बगल वाले कवि का पर्स मार लिया, कहते मैं चलता हूँ, कहते अरे कविता तो बढ़ी है, कहते नहीं मेरा हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। सावन में भीगने का अपना एक मजा है। क्या सावन में भीगने का क्या बात है, अपना एक मजा है। इस आदमी से बात करना अपने आप में सजा है। क्या बात कही है तुमने, दिल करता है तुम्हें गले लगा लूं मैं। मेरा दिल करता है उसी गले में दो चार मुक्का लगा दूं। और ऐसे तुमने मान जाना धीरे धीरे करके। खैर कोई बात नहीं, सरला देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं। हेलो कुमार सर, हेलो राज सर, हेलो मैम, इतने बड़े बड़े लोग आए। शायरी बोलनी थी तो मुझसे बोलती, मैं तुम्हें सिखा देता। सरला के लिए एक शेर अर्ज़ है पाजी। दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, चाय पीने से पहले दो तीन बार छान लीजिए। अमानत है तो ख्यानत है, इस घटिया शायरी पे 10 किलो लानत है। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको जानत नहीं है, उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको जानत नहीं है, उसको आंखें दिखाती हो जो अपने आप में मानत है। जानत नहीं है, जानत है। क्या बोल गया ये। एक बार फिर से बोल दूं? हाँ, दोबारा। वाह वाह वाह, बोलिए। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको नहीं है जानत, उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको नहीं है जानत, और उसको आंखें दिखाती हो जो अपने आप में है मानत। बहुत अच्छे चंदू, अब तुम चुप हो जावत प्लीज। हेलो राज जी, नमस्ते। हेलो शबीना जी, हेलो विश्वास कुमार जी। विश्वास कुमार नहीं, कुमार विश्वास है। देखो मुझे इन पे विश्वास है, इनको मुझ पे विश्वास है, तो आप ये अंधविश्वास बन के बीच में क्यों घुस रहे हैं? माफ कीजिए, हमारे हॉस्पिटल में नर्स है। ये नर्स नहीं, ये फर्श है। ये फटा हुआ पर्स है। और तुम पकौड़ा हो। ये तो राइमिंग बनी नहीं। कोई बात नहीं, पकौड़ा तो बन गया कि नहीं। अच्छा है, वाह। ये बताओ बम्पर, तुम बीच में कहाँ घुसाई हो? देखिए कहीं भी अगर मुशायरा हो तो ये गजल तो आएगी ही ना। गजल? तुम तो गजरेला हो, ट्रिपल एक्सएल का ठेला हो, और ऐसे लगता है मुंबई गुजरात तक फैला हो। खैर कोई बात नहीं, ब्राह जी मुझे भी एक जरा मौका दीजिए, मैं भी एक शेर अज़्र करना चाहूंगी। शायरी कहाँ से आ गई? मेरी शायरी यहाँ से आ गई है। कहाँ से आ गई? क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? अरे वाह। 3 दिन पुराना पिज्जा है चंदू, तुम खाओगे?
पाजी, तीन चीजें जिंदगी में मिलती हैं बड़ी मुश्किल, दौलत, इज्जत और शोहरत। तीन चीजें जिंदगी में मिलती हैं बड़ी मुश्किल, दौलत, इज्जत और शोहरत। दिन भर आदमी और रात को 9 से 10 औरत। बहुत अच्छे, वाह, कमाल कर दिया यार। पाजी एक शेर अर्ज किया है कि अपनी निगाहों से अपनी निगाहों से यूं ना घायल करो, अपनी निगाहों से यूं ना घायल करो, यूं ना घायल करो, ये ऐसे नहीं जाएंगे भाई, 100 नंबर डायल करो। मैंने भी अज़र किया है, अज़र कर दिया है। नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको। रोको, नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको, नफरतों, नफरतों, आगे, नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको, आगे, नफरतों को गुरु ठोको, रोको, रोको, रोको। पुलिस में भर्ती होना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जब भर्ती होने गया, मुझे कहते ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, मैंने 10 लगाए, क्योंकि ग्राउंड थी गर्ल्स कॉलेज की। जब मैंने ऐसे 10 चक्कर लगाए, आज देख लो भगवान कितनी कृपा, मेरे खुद के 2-4 चक्कर चल रहे हैं। अरे अरे भाई साहब, कौन है आप और मेरे हॉस्पिटल के सामने आपने थाना कैसे खोल दिया? क्यों, तुम लोग थाने के सामने हॉस्पिटल खोल सकते हो, हम हॉस्पिटल के सामने थाना नहीं खोल सकते। एक सेकेंड, ये हॉस्पिटल पहले से खुला हुआ है। पहले से खुला हुआ तो ढक के रखो, मक्खियां ना आ जाएं इधर। एक सेकेंड, हमारा हॉस्पिटल, आपका क्या लेना देना, हम इसे खुला रखे या बंद? देखिए आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अब मैं क्या डाकिया हूँ? मैं खुद पुलिस हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन लिखूंगा ही नहीं। मैं दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवाऊंगी। एक काम करो, ले दे के बात खत्म कर देते हैं, तुम 1000 रुपया दे दो। बात आपको खत्म करनी है, मैं क्यों आपको पैसे दूं? मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? नहीं। खबरदार बम्पर, इस लड़की को पकड़ के अंदर कर दो। खबरदार बम्पर, तुमने मुझे हाथ लगाया तो? कानून का कोई दोस्त नहीं होते हैं सरला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या हवलदार के कपड़े पहन के घूम रही हो तुम? अंदर तुम्हारा पेशेंट इंतजार कर रहा है। उसे कह दो कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। वो पेशेंट है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मैंने तो उसे बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीटमेंट किया था ना, आज मेरे साथ। खैर वैसे भी अब मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, पुलिस के साथ बदतमीज करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकती हूँ। 500 किलो, ऐसे कोई 4 सेंटीमीटर की लड़की से बात करता है? सुनो, तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाती? ए, अरे ये चूही क्या करेगी हमारे साथ? अरे इसको हम चाइल्ड पुलिस बुलाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के सॉल्व करेगी, जैसे पिगी बैंक के में पैसे चोरी हो गए, किसी का चॉकलेट को लेकर झगड़ा हो गया। मेरे जमीर में दम है, क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। ए, 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 चल चल अंदर, चल जमीर वाली, चल 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 चल, चलो भाई, बड़ी जमीर है, जमीर की चाची। हेलो चंदू, हेलो ठाकुर, पाजी क्या बात है, ऐसा तो नहीं सोनी साहब ने कोई पुराना एपिसोड चला दिया? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों रहा है? ये पुराना एपिसोड चलाया था ना, तुम नजर नहीं आती उसमें। हमारी एग्जिट हुई थी तो तुम्हारी एंट्री हुई थी। कोई गल नहीं, खुशी की बात है, वैसे लॉन्ग टाइम नो सी। या या, इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली आई वाज बिजी इन माय समथिंग बिजनेस। कुछ भी हो, मेरा यार आज भी नहीं बदला, उतनी गंदी इंग्लिश आज भी। अच्छा देखो भाजी, जज कौन कर रहा है? प्रोफेसर फर्नांडिस। कपिल शर्मा, मैं शो में आ गया हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? सबसे पहली मेरी शर्त ये है कि मेरी सरला के साथ ना अफेयर वगैरह करवा दो। वाह, जरा सा हेलो क्या कह दिया, इसका तो हौसला ही बुलंद हो गया। और 2 रुपए का गुड़ खा मखा श्रीखंड हो गया। खैर अपना सरल, आज का क्या प्रोग्राम? सरल सरल, नो आई एम वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट सरल। और वैसे भी बड़ा रूहाना प्रोग्राम है। Very good. ईद है तो ईद पे गले नहीं मिलेंगे भाईजान? कुड़गो पर उतनी पाजी, मेरे को ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं बुरी लगी थी जितनी ये बुरी लग रही है। मेरी बात सुनिए, ये बातें भाईजान वाली मेरे साथ नहीं करनी, वो देखो नेशनल पाजी बैठे हुए हैं, उनके गले लगो जाके।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.